मंत्री साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, किया जाए बातचीत करते हैं। नमस्ते सर, वेलकम सर। जी सर, आप बताएंगे स्टॉल में आप पटना में आए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा आपको लगा सर? देखिए, इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन जो है ये भारत का सबसे बड़ा एसोसिएशन है जिसमें पानी के हर एक आदमी उसके मेंबर्स हैं, यानी सिविल इंजीनियर से लेके तो चीफ इंजीनियर तक या जूनियर इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर तक सभी लोग मेंबर्स हैं। तो यहाँ जो आता है आदमी देखने के लिए और समझने के लिए, वो क्वालिटी आदमी आता है, जो ये लाइन में काम करता है वही आदमी आता है। तो रिस्पॉन्स तो अच्छा ही मिलता है, जो देखता है वो काम का ही आदमी आता है। समझो 100 लोग आ गए 500 में से, तो काम के जो लोग रहते हैं उसमें से 50 लोग अपने 100% काम करते हैं। बिहार में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसा आपने बताया भागलपुर में, थोड़ा बताएं बिहार के लिए आप क्या फोकस कर रहे हैं? जी बिहार में ऐसा है कि पानी का समस्या तो कम है, पीने का पानी तो बहुत है यहाँ, तो अभी पानी जो कम है लेकिन घर घर में तो पानी नहीं मिल रहा है। पानी की प्योरिटी वगैरह होनी चाहिए, हाँ हर घर नल योजना है ना। तो अभी जो क्या घर घर नल योजना जो 2024 तक अपने को कंप्लीट करनी है, उसके लिए हम लोग तो कटिबद्ध है ही, हमारे प्रोडक्ट उसके लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि ये इतने कम समय में 2024 तक अपने को जो कंप्लीट करने का मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबको टारगेट दिया है, यहाँ पे वो टारगेट कंप्लीट करने के लिए हमारे जैसे जो कंपोनेंट है ये फटाफट लग जाते हैं, लगाने के लिए टाइम नहीं लगता है, सिंप्लीफाइड है, इसके लिए स्किल लेबर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कंपोनेंट यदि लगाएंगे बिहार में तो आपका टारगेट तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्वालिटी गुणवत्ता आप क्या बताएंगे आपका प्रोडक्ट अदर कंपनी के साथ? देखिए, इसमें जो 4 या 5 लीडिंग प्लेयर्स हैं इंडिया में, उसमें से 2 तो मल्टीनेशनल है, एक तो जॉर्ज फिशर जैसी कंपनी है, एक नॉर्मा जैसी कंपनी है। नॉर्मा यानी किप्लास जिसको मैंने खरीदा है वो नॉर्मा कंपनी, और 2-4 कंपनी है छोटी छोटी, लेकिन अभी ऐसा है कि उनकी कीमत वर्सेस उनकी क्वालिटी दोनों का यदि हम लोग मेल बिठा है तो इंडियन कंडीशन के लिए वो बढ़ना चाहिए, अपने कॉस्टिंग में होना चाहिए। वो बिठाने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छा ट्रायल लिया है, और हम लोगों ने इंडियन कंडीशन के लिए, इंडियन कॉस्ट के लिए, इंडियन जनता के लिए जो सस्ते में काम हो सकेगा, जिससे अपने देश का पैसा बाहर नहीं जाए, इसलिए 100% मेक इन इंडिया किया है। मेड इन इंडिया जो मोदी साहब ने अभी पिछले इलेक्शन में जीत के आने के बाद किया है, उसके पहले 2011 से हम लोगों ने मेड इन इंडिया ही हमारा धर्म समझा, वो हमारा धर्म है। तो क्या लगता है आने वाले दिन में आप लोगों को टेक्नोलॉजी और कुछ डेवलप करके नया कुछ प्लानिंग करेंगे? जी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर हम लोग ला रहे हैं। अभी मल्टीनेशनल बहुत सारे हैं, इसमें चाइनीज लोग भी आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, इनके सामने टिकने के लिए और अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए, सस्ता प्रोडक्ट देने के लिए, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रो फ्यूजन करके पूरा रेंज है, तो बड़े बड़े पाइप HDPE के पाइप जुड़ने के लिए यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। दूसरे बात मीटर्स है, वाटर मीटर्स है, वाटर मीटर्स में हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि आप पैसा भरो तभी मीटर चालू हो जाएगा, जितना पैसा भरा उतना ही मीटर चलेगा, क्योंकि वो नॉन रेवेन्यू वाटर जो है अपने जो बहुत सारा वेस्टेज जाता है उसके अंदर पानी ज़मीन में बह जाता है। पानी पिलाना वो एकदम सीधी बात है, लेकिन पानी का प्योरीफिकेशन करके आपको अच्छी तरह से देना वो इजी नहीं है इतना, तो वो पैसा बचे देश का।